आपको इस चैनल पर डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म एंड साथ में आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट के बारे में। और स्टूडेंट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है आपके ग्रुप्स के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके चार ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड डी। हम बात करेंगे कौन सा ग्रुप किससे रिलेटेड होता है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। और देखिए, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म से जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये सारी एक्सपेक्टेड होगी। सबसे पहले देखिए, रिलीज डेट जो होगी वो होगी थर्ड वीक ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के थर्ड वीक से फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है अप्रैल भी हो जाए, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ जो आपको मेंशन कराया गया साइड पे। एंड हम बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फी, सॉरी लास्ट डेट क्या हो सकती है। तो लास्ट डेट है आपकी थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल का जो थर्ड वीक है वो उसकी लास्ट डेट हो जाएगी। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका फॉर्म फी। तो फॉर्म की फी जो है जनरली मैं सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो भी जनरल कैंडिडेट है उन सबके लिए 400 होती है। एंड स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम डेट के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि 2020 वाला जो दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म था उसके अंदर मेरिट बेस पर एडमिशन लिया गया था, लेकिन जो अब होगा 2021 का उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो उसकी हम डेट देख लेते हैं एक्सपेक्टेड, ये आपको फोर्थ वीक ऑफ मई 2021, ये आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद देखिए ऑफलाइन ही होगा, ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी। और एक और की चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी सिलेबस के ऊपर। तो प्लीज़ आप सब कमेंट करना ना भूले, कमेंट में आप बताओगे कि आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए कि। एंड स्टूडेंट अब है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको। इसके अंदर चार ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो ग्रुप ए है वो है आपका इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, ग्रुप बी जो होता है आपका वो होता है एमओपी के लिए, और ग्रुप सी जो होता है वो फार्मेसी के लिए, और ग्रुप डी जो होता है इंजीनियरिंग के लिए होता है, और ये लेटरल एंट्री के लिए, यानी कि सेकंड आपका सेकंड ईयर में यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रुप ए जो है उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है क्या है इसकी। तो इसके लिए आपका 10th होना चाहिए विथ 35% एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से वो चल जाएगा। एंड एमओपी के लिए हम बात करते हैं तो 12th विथ इंग्लिश, यानी कि आपके पास 12th होनी चाहिए। एमओपी का मतलब है आपका मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। और यहाँ पे देखिए 12th विथ इंग्लिश 35 एनी बोर्ड, यानी कि आपको 35% होना चाहिए विथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए किसी भी बोर्ड से। एंड ग्रुप सी जो है वो है आपका फार्मेसी के लिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए होनी चाहिए आपका 12th PCMB, यानी कि आप पे बायो होनी चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ विथ 35% इन एनी बोर्ड। एंड उसके बाद ग्रुप डी जो है वो होता है आपका इंजीनियरिंग के लिए, जो ये था ना आपका इंजीनियरिंग कोर्स वही सेम है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और बाकी जितने भी ब्रांचेस है, लेकिन इसमें आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो इसके लिए आपका 12th या फिर आपका ITI होना चाहिए विथ 35% एनी बोर्ड, यानी कि किसी भी बोर्ड से। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 की तैयारी करनी है तो आपको कौन कौन सी बुकों को प्रेफर करना है और क्या क्या सिलेबस हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। प्लीज़ आप सब कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।